जी, मुल्क भर की तरह मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में भी इस साल जो है वो आशूबे चश्म की वबा जो है वो एक दफ़ा फिर से शिद्दत इख्तियार कर गई है। बड़ी तादाद में जो मरीज़ हैं वो आशूबे चश्म की वबा के हवाले से सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो हर 5 में से एक शख्स जो है वो आशूबे चश्म की वबा का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी इलाजगाह निश्तर हॉस्पिटल में जो है वो बड़ी तादाद में जो मरीज़ हैं वो आशूबे चश्म की वबा के हवाले से आ रहे हैं, और इसके साथ ही चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो मासूम छोटे बच्चे हैं वो भी आशूबे चश्म की वबा का शिकार हो रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो स्कूलों में जो बच्चे जो नन्हे जो स्कूल जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल जो है वो गर्मियों की छुट्टियों के बाद इस वक्त खुल चुके हैं, तो वहाँ पर भी आशूबे चश्म की वबा का शिकार हो रहे हैं। और इसके साथ ही जो मेट्रो बस सर्विस है उसके ड्राइवर्स हैं उनके लिए भी खसूसी तौर पर मेट्रो बस इंतज़ामिया की जानिब से एक एडवाइज़री जारी की गई है कि जो भी ड्राइवर आशूबे चश्म की वबा का शिकार हो रहा है जिसकी वजह से उसकी हद निगाह मुतासर हो रही है, तो उन्हें जो है वो ड्राइविंग करने से मना किया गया है, उन्हें जो है वो लीव पर भेज दिया गया है। इसके साथ ही अगर मुल्तान की जो सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट घंटाघर मेडिसिन मार्केट की बात की जाए और मेडिकल स्टोर्स की बात की जाए, तो वहाँ पर भी आशूबे चश्म की वबा के लिए जो ड्रॉप्स हैं वो नायाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त हम मार्केट में मौजूद हैं, मेडिसिन मार्केट में, जहाँ पर बड़ी तादाद में जो मरीज़ हैं आशूबे चश्म का शिकार होने वाले वो वहाँ पर आ रहे हैं। तो ऐसे ही एक मरीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, हम भी इनसे थोड़ा सा डिस्टेंस रखकर बात करने की कोशिश करेंगे कि आप बताएँ क्या कहेंगे, आशूबे चश्म का शिकार हुए हैं, ड्रॉप्स की ख़रीदारी के लिए आप आए हुए हैं, तो अब ड्रॉप्स की क्या सूरत हाल है, मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, क्या कहेंगे? अच्छा, ड्रॉप्स की इस वक्त जो सूरत हाल है मार्केट में बिल्कुल शॉर्ट है, और मैं ख़ुद लेने आया हूँ, और एक तो कॉस्टली है और इसकी दस्तियाबी नामुमकिन है। मैं हुकूमत से यही अपील करूँगा कि इसको मुफ्त मुहैया किए जाएँ और हर स्टोर पर मिलने चाहिए और हर मरीज़ तक पहुँचने चाहिए। जी देखें जी, ये मरीज़ों का यही कहना है कि जो ड्रॉप्स हैं, आई ड्रॉप्स हैं, वो इस वक्त नायाब हो चुके हैं, जो मेडिकल स्टोर्स हैं वहाँ पर भी नहीं मिल रहे। इसके साथ ही जो आई ड्रॉप्स हैं उनकी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। इसके हवाले से आशूबे चश्म की जो वबा इस वक्त हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है, बड़ी तादाद में लोग इसका शिकार हो रहे हैं, तो इसके हवाले से डॉक्टर्स की जानिब से भी एक एडवाइज़री जारी की गई है, जिसमें आशूबे चश्म का शिकार जो मरीज़ हैं उनके लिए कहा गया है कि वो अपना जो डिस्टेंस है दीगर अफराद से, आई कॉन्टेक्ट है, उसको जो है वो ना करें, और इसके हवाले से जो मरीज़ हैं वो ग्लासेस का इस्तेमाल करें, और जो आई ड्रॉप्स रिकमेंडेड आई ड्रॉप्स हैं जो आशूबे चश्म के हवाले से वो इस्तेमाल करें। इसके अलावा ज़्यादा जो है वो और जो मुख्तलिफ जो टोटके हैं उनके इस्तेमाल करने से परहेज़ करें। इसके साइकिल के हवाले से बात की जाए तो ये एक हफ्ते से ज़ायद का साइकिल होता है, जिसके बाद जो आशूबे चश्म का मरीज़ है वो सेहतियाब होना शुरू हो जाता है। तो मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में इस साल भी जो हर साल की तरह जो आशूबे चश्म की वबा है वो हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। जी।